धोखेबाज है उद्धव ठाकरे, पहले फडणवीस को सीएम बनाने का किया वादा, फिर कांग्रेस एनसीपी की गोद में सत्ता की लालच के लिए जा बैठी। अमित शाह ने उद्धव ठाकरे पर जोरदार हमला किया है, सुनिए अमित शाह का बयान। मैं उद्धव ठाकरे को पूछना चाहता हूं, कर्नाटक में जिनके आप साथी हो उनकी सरकार बनी, वो वीर सावरकर को इतिहास से के पुस्तक से मिटाना चाहती है, क्या आप सहमत हो? मैं नांदेड़ की जनता को पूछना था, वीर सावरकर का सम्मान, ये महान देशभक्त आदि बलिदानी आदमी का सम्मान, वीर सावरकर जैसे स्वतंत्र सेनानी का सम्मान होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? जोर से बोलिए, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? उद्धव जी, आप दो नाव में पैर नहीं रख सकते हो। महाराष्ट्र की जनता के सामने मैंने जितनी बातें करी है इसका जवाब स्पष्ट कर दीजिए, आपकी पोल महाराष्ट्र की जनता के सामने खुल जाएगी। माताओं, भाइयों, बहनों, उद्धव जी कहते हैं कि हमने इनकी सरकार तोड़ी, हमने नहीं तोड़ी है। उद्धव जी, शिव सैनिक आपकी शिवसेना की नीति विरोधी बातों से तंग आकर शरद पवार जी की पार्टी से रहने के लिए तैयार नहीं था, उन लोगों ने आपकी पार्टी छोड़ी और आपकी सरकार टूटी। दगा करने का काम, धोखा देने का काम उद्धव ठाकरे ने किया था, मोदी जी के नेतृत्व में, देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में चुनाव लड़े और मुख्यमंत्री बनने के लिए वो कांग्रेस की गोदी में जाकर बैठ गए।